ऑड इवन नियम को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने दिल्ली के कई इलाकों का जायजा लिया। जहां दिल्ली को स्मॉग ने अपनी चादर के अंदर समेट रखा है, तो ठीक इसी के बीच अब दिल्ली में एक बार फिर से जो ऑड इवन का फॉर्मूला है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेस वन के पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे आप जो सड़कें हैं ये हमें खाली दिखाई दे रही हैं। दिल्ली सरकार ने तीसरी बार ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया है, तीसरी बार ये फॉर्मूला लागू किया गया है। और दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण का स्तर है उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार जो है उसने इस फैसले को लागू किया है। ये आज यानी कि 4 नवम्बर से लेकर 15 नवम्बर तक ऑड इवन का फॉर्मूला जारी रहेगा। एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां तो दूसरे दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलती रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने जगह जगह अधिकतर रेड लाइटों पे जो वॉलंटियर्स हैं उनको खड़ा कर रखा है, लोग ये ऑड इवन का पालन करें, प्रदूषण दूर करें, इस तरीके के पोस्टर्स लेके जगह जगह रेड लाइट पर दिख रहे हैं ये वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं। ये लोगों को एक तरीके से जागरूक कर रहे हैं कि आप जागरूक रहिए, ऑड इवन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं केवल एक ही जगह पे 4 जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, वो हर गाड़ियों पे नज़र बनाए हुए हैं अपने कि आज जो इवन का दिन है तो आज कोई भी ऑड नंबर की गाड़ी सड़क पर ना उतरने पाए। और शायद कहीं ना कहीं इसी का असर है कि हमें भी अभी तक जो आज ऑड नंबर की गाड़ियां हैं दिखी नहीं है सड़कों पर, सारी इवन नंबर की गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वक्त ऑड इवन का जो असर है हमें इस वक्त काफ़ी साफ दिखाई देता है। अगर मैं एग्जैक्ट इस जगह की ही बात करूं तो यहां पे अमूमन जब हम आम दिनों में आते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी ये रोड खाली दिखाई देता नहीं है। जी हाँ, ये रोड खाली नहीं दिखाई देता है, पूरा भरा हुआ रहता है, यहाँ ट्रैफिक देखने को मिलता है खास तौर पर सुबह के समय में। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कहीं भी रुका नहीं है, गाड़ियां चलती जा रही हैं। वहीं अगर बात करें ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर, तो खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके जनता से अपील की है कि जो ऑड इवन फॉर्मूला है इसका आप बेहतर ढंग से इसका पालन करें, आप नियमों का पालन करें। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस तरीके से उन्होंने विनती की है सभी से कि आप इसको इसका पालन करें और इस ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाएं, क्योंकि ये आम जनता के लिए ही है। अगर मैं आपसे बात करूं ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर, तो ऑड इवन फॉर्मूले को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी जो कमर है उसको कस रखा है, क्योंकि दिल्ली में इस समय जो ट्रैफिक पुलिस की टीमें होती हैं 200 टीमें दिल्ली में उतारी गई हैं। जी हाँ, 200 टीमें दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की उतारी गई हैं ताकि जो पूरा माहौल है बिल्कुल सही तरीके से बना रहे, ऑड इवन जो है वो बेहतर तरीके से लागू हो। और अगर बात करें जो अगर जो नियम तोड़ता हुआ दिखाई देगा पुलिस को, जो 200 टीमें तैनात की गई हैं उनको जो नियम तोड़ता हुआ दिखाई देगा, तो उसके लिए भी 4,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। और इसके अंदर देखो छूटें भी दी गई हैं, जैसे अगर महिला ड्राइवर है उसके साथ छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा है तो उनको छूट दी जाएगी, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी भले ऑड या इवन कोई सा भी नंबर हो और आपके गाड़ी में कोई मरीज है तो इमरजेंसी के तौर पर आपको छूट दी जाएगी। और इसी के बीच प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ऐसे ही और भी जो गाड़ियां होती हैं उनको भी छूट दी गई है। लेकिन आम जनता के लिए पूरी तरीके से ऑड इवन लागू है, आम जनता को जो छूट दी गई है वो केवल इमरजेंसी के तौर पर ही दी गई है। अगर आप किसी गर्भवती महिला को लेकर जा रहे हैं या किसी आप मरीज को लेकर जा रहे हैं या आपकी गाड़ी में आपका बच्चा है उसे स्कूल लेकर जाते हैं तो आपको इससे छूट मिलेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, R9 TV।